नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब स्टूडियो में। तो दोस्तों, जो आज फिर से बात करने वाले अपन बिहार विधानसभा जो कि ग्रुप डी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू डेट आ चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही इसकी जो है स्लॉट बुक और एडमिट कार्ड हो रही है, जो कि इसकी लास्ट डेट 2 सितंबर तक है। उसी दिन तक आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं स्लॉट बुक, और डाउनलोड जो है इसकी एडमिट कार्ड 11 सितंबर तक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, लिंक वहां से आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की जो मुख्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई किए हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो। आप अगर कार्य परिचारी की अगर फॉर्म भरे हैं पोस्ट के लिए, और आप जो है यहाँ पे पुस्तकालय परिचारी की भी यहाँ पे जो है भर चुके हैं, या सफाई कर्मी की, या सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे भर चुके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और फ्रेंड्स, जिन्होंने ड्राइवर के लिए भी पोस्ट भरी है और बाकी पोस्टों के लिए भी यहाँ पे जो है अप्लीकेशन गिराया है उन्होंने, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बिहार विधानसभा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग तक देते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूँ, जिन कैंडिडेट्स को अगर यहाँ पे एडमिट कार्ड या स्लॉट बुक में जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करें, मैं फिर से एक नई वीडियो उनके लिए क्रिएट करूंगा और आप लोग तो दूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जिनका यहाँ पे जो है हार्ड कॉपी यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया था, अगर वो हार्ड कॉपी अगर खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बिना हार्ड कॉपी का भी वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर वहाँ पर इंटरव्यू देने दिया जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं देने दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे जो है चांस है कि आपको देने दिया जाएगा, इसकी मांग वहाँ पे नहीं होती है। मैंने बस वही आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो कि डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है उसके बारे में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था और उसमें कहा गया था। अगर जो भी कैंडिडेट्स का नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी कैंडिडेट्स उसे अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो अब दोबारा डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, अगर वो निकालना चाहते हैं एडमिट कार्ड, तो फ्रेंड्स बता दूँ इसके लिए कोई प्रावधान जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दी गई है। तो आप जो है एक काम कर सकते हो, अगर जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करा था उस टाइम आपके ईमेल पर मैसेज गया होगा, आप वहाँ से किसी तरह से खोज कर जो है आप, या आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज गया होगा, आप किसी तरह से वहाँ से जो है लेके अपना एडमिट कार्ड निकाल लें। अगर नहीं निकल रहा तो इसमें जो है अब कोई जो है यहाँ पे सॉल्यूशन इसकी नहीं है, आपको ना ही इसके लिए जो है कोई भी जानकारी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है या इसकी ऑफिशियल साइट पे आई है, ना ही इसकी जो है किसी तरह की यहाँ पे जानकारी मिली है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपको जो है अब क्या करना होगा और कैसे करना होगा, जिन दोस्तों ने एक से ज़्यादा जो यहाँ पे पोस्टों पर जो है वह भरा था। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ, जो देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 4/2018 की है। और ये जो है आप लोग को बता दूँ, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता इसकी जो है इंटरव्यू डेट कब से है, तो आपको बता दूँ कि 11 सितंबर से जो है इसकी इंटरव्यू डेट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी जानकारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर कॉलम यहाँ पर दिया गया, उसमें क्या कहा गया है कि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदित पदों के लिए अपनी प्राथमिकता दर्ज करना अनिवार्य होगा। जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए जो है अप्लाई किए हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, अगर आप ड्राइवर के लिए भी अप्लाई किए हैं और साथ में जो है आप सफाई कर्मी के लिए अगर जो है अप्लाई किए हैं, या कर्म पत्र वितरक के लिए आप अप्लाई करके जो है कार्यालय परिचारी के लिए यहाँ पे जो अप्लाई किए हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, तो आपको करना होगा यहाँ पे कि बताया गया है कि उन्हें जो है प्राथमिकता दर्ज करवानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसके लिए जो है दिनांक, उसके लिए आपको जो है दिनांक 3/9 यानी कि 3 सितंबर 2009 को आपको जो है एक लिंक दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आपको यहाँ पे लिंक दिया जाएगा यानी कि 3/9 को, यानी कि 3 सितंबर 2019 को, तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पे करना होगा बिहार विधान सचिवालय के जो है ऑफिशियल साइट पे आपको जानी होगी। जाने पे जो है आपको वहाँ पे अलग से एक लिंक जारी होगा, वहाँ पे जो है आप निर्धारित अवधि में जो है प्राथमिकता जो है
वो दर्ज नहीं किए जाने की स्थिति में जो है सभा सचिवालय द्वारा प्राथमिकता जो है वह निर्धारित नहीं की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं यहाँ पे जिन्हों जो कैंडिडेट्स यानी कि 3 सितंबर को इसकी जो है ऑफिशियल लिंक साइट पे जो है इसकी लिंक ओपन होगी, जो कि आपको वहाँ पे एक से अधिक पदों के लिए जिस जिस पदों के लिए आपने अप्लाई किया था उस पे जो है आपको वहाँ पे प्राथमिकता जो है वहाँ पे जो है अपना वह दर्ज करवाना होगा, और आपको यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगी 3 सितंबर 2019 को बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पे जो है इसकी निर्धारित अवधि में जो है प्राथमिकता दर्ज नहीं किए जाने की स्थिति में जो है सभा सचिवालय द्वारा प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप उस पे नहीं करते हैं तो आपकी वहाँ पे जो है मात्र जो है आपकी एक ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू ली जाएगी, अन्यथा और पे नहीं ली जाएगी। तो इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने चाहा जल्दी से आप लोग तक तो पहुँचाऊँ। और फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे उनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, तो आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से फिर एक नई वीडियो बना के आप लोग तक शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, सबका जो है कमेंट पढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।